بسم الله الرحمن الرحيم. دار السلام ماسك تونكلي بارك درايف تورنتو كندا. ويدنسداي افتر 25th تراوي 20th of December 2000. The bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Sahib Damad Barakatuhu. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله مولانا العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، ये वही आयत पाक हैं जो मैंने कल तिलावत की थी। अल्लाह पाक जल्ला शानहु अम्मा नवालहु इरशाद फरमाते हैं, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, न गाफिल करे तुम्हें तुम्हारे माल, तुम्हारी दौलतें और न तुम्हारी औलाद अल्लाह की याद से। और जो शख्स ऐसा करेगा तो वो ही घाटे में रहने वाले हैं। ये 2-3 हजार तो खड़े खड़े बातें कर देंगे, वो भी कहीं और बातें करने की बची जगह है, वही क्यों मत ला शरीक लहुल मुल्क व लहुल हम्द। अल्लाह के जिक्र से, देखो अल्लाह के जिक्र से इसमें तमाम बदनी इबादतें इसमें आ गई। जितनी बदनी इबादतें हैं उनमें से मोस्टली
अल्लाह का जिक्र कहलाती है। हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाह का जिक्र है। तस्बीह पढ़ते हैं, अल्लाह का जिक्र है। नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का जिक्र है। हज करते हैं, अल्लाह का जिक्र है। सब अल्लाह का जिक्र है। और जो बज़ाहिर आपको अल्लाह का जिक्र नजर नहीं आता, वो भी अल्लाह का जिक्र है। जैसे आप हज में जाते हैं तो शैतान को 7 कंकरियां मारते हैं, वहां शैतान बैठा है, वहां तो कोई भी शैतान नहीं। एक वाक्या पेश आया था, जब आया था तब आया था, वहां कोई थोड़ी शैतान बैठा है। और आपकी कंकरी कोई शैतान को लगती है, वरना इतने हर साल मर ही जाएगा वो। इतनी कंकरी बाजा बाजा जूता मारते हैं, बाजा बाजा ढेला लेके मारते हैं। और वहां बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे हैं, तो अरबी में तो लिखा है अलजमरतुल उला, अलजमरतुल वुस्ता, अलजमरतुल अकबा उकबा। जमरा के माने हैं, फिर अंग्रेजी में लिख रखा है फर्स्ट स्टोन, सेकंड स्टोन, लास्ट स्टोन। ये स्टोन, ये जमरा का तर्जमा है। और वहीं उर्दू में लिख रखा है बड़ा शैतान, दरमियानी शैतान, छोटा शैतान। उर्दू में ये बोर्ड लग रहा है, हालांकि जो सही लफ्ज अरबी में और अंग्रेजी जो लफ्ज लिखे हैं वो सही है। लेकिन अब वहां उर्दू में जो लोगों में बोला जाता है, एक मुहावरा है, वो वही वहां लिख रखा है। और इसी की वजह से हमारे ही लोग, हमारे जो ये उर्दू बोलने वाले जो अजमी है, वो यही समझते हैं कि यही शैतान खड़ा, और जूता लेकर हेप मारेंगे, ऐसा मारेंगे, ऐसा मारेंगे बेचारे उस पत्थर को। अब ये सब बेकार बातें हैं, ना कोई शैतान थोड़ी रखा है। वो एक वाक्य पेश आया था, वो आया था। सवाल ये कि फिर ये रमी क्यों की जाती है, वाई रीजन क्या है। इसी तरीके से सफा मरवा के दरमियान में सही की जाती है, इस पहाड़ी से उस पहाड़ी तक, उस पहाड़ी से इस पहाड़ी तक 7 चक्कर लगाए जाते हैं। वो एक वाकया पेश आया था हजरत हाजिरा रबी अल्लाह ताला नहा का, वो वाकया पेश आया था, वाकया निमट गया। अब हम चक्कर क्यों लगा रहे हैं, हमारा बच्चा कौन सा पियासा हो रहा है जिसके लिए पानी ढूंढ रहे हैं हम। ये सवाल हुजूर से हुआ था, तो हुजूर ने फरमाया कि इन्नमा युअल सअय बैन सफा वल मरवते व रमयुल जिबाल लिइकामत ज़िक्रिल्लाह। हुजूर ने फरमाया कि सफा मरवा के दरमियान में जो सई हज का रुकन किया गया है, और उन 3 पत्थरों को जो रोजाना 7 कंकर मारे जाते हैं, ये 2 अमल हज में शामिल किए गए हैं अल्लाह का जिक्र बरपा करने के। अब जो बज़ाहिर जिक्र नहीं है वो भी जिक्र है, वो भी अल्लाह का जिक्र बरपा करने के लिए। और इस हदीस शरीफ पर, इस हदीस शरीफ को समझना हो तो वहां जब जाओ हज में या उमरे में, सफा मरवा के बीच में किसी बड़ी जगह बैठ जाइयो, 1 घंटा मुसलसल बैठियो और सफा मरवा की सही देखियो, और वहां क्या अल्लाह का जिक्र किस तरह हो रहा है। और अगर अल्लाह ने दिल दिया है तो उन जिक्र के जो अनवार उठ रहे हैं और ऊपर से जो अनवार आ रहे हैं सही करने वालों में, वो भी नजर आते हैं अगर आपके पास दिल हो तो। इसी तरह से जब जमरात की रमी होती है, आप एक जगह जाकर खड़े हो या 2 घंटे वहां खड़े रहकर के मंजर देखें, तो इतनी मोटी बात तो हर कोई देखेगा कि वहां सुबह से शाम तक अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर मुसलसल जिक्र हो रहा है। और वो जो मुसलसल जिक्र हुआ, लाखों आदमी एक साथ अल्लाहु अकबर कह रहे हैं, वो जो अनवार उसके उठते हैं और उसके लिए जो रहमतें नाजिल होती हैं, वो अगर आपके पास दिल है तो आपको वहां जमरात पर वो नजर आएगा। मैं तो इसकी मिसाल ले रहा था कि जिसको बज़ाहिर ऐसा समझा जाता है कि भाई ये तो, वो भी हकीकत में अल्लाह का जिक्र के लिए है। तमाम अरफा में एक मैदान में जाकर के सुबह से दोपहर से शाम तक रहते हैं, वहां क्या है, अल्लाह का जिक्र ही। मीना मुज़दलिफा में आकर रात गुजार कर सुबह फजर के बाद वुकूफ़े मुज़दलिफा होता है, वुकूफ़े मुज़दलिफा में क्या होता है, जिक्र और दुआएं होती।
तीन दिन मीना में रहते हैं और रमी के अलावा रात दिन क्या करना है, वहाँ जिक्र करना है अल्लाह की याद के लिए। वो तीन दिन का मीना का मकाम वहाँ स्टॉप है, कुरान करीम में है, फैला कवई तुम मनासिककुम फज़कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा। फरमाया कि जब तुम तुम्हारे हज के अरकान अदा कर चुको, फैला कवई तुम मनासिककुम, हज के अरकान दो हैं, अरफा में 9 तारीख को अरफा में ठहरना और 10 तारीख को तवाफे जियारत करना, बस हज के यही दो रुकन हैं, अगर ये दो नहीं हैं तो हज नहीं। फिर इनमें भी फिक्स टाइम अरफा में ठहरने का है, उसमें ना आगे हो सकता ना पीछे हो सकता है, तवाफे जियारत तो कई दिन हो सकता है। गरज ये दो रुकन हैं, फिर इन दो रुकनों के अलावा में बहुत से वाजिबात हैं, बहुत सी सुन्नतें हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि जब तुम अपने हज के अरकान अदा कर चुको, यानी अरफा में जाकर वहां से लौटकर रात में मुज़दलिफा में आ गए, वहां से मीना में आ गए, कंकरियां मार दी, कुर्बानी कर दी, तवाफ़े ज़ियारत कर लिया, सब काम निमट गया। कितनी देर में निमटता है? एक मर्तबा मैं गया था हज में तो 10 तारीख को 8 बजे ये सब काम करके हम निमट गए, रमी भी हो गई थी, जाके तवाफ जियारत भी कर लिया था, कुर्बानी भी कर ली थी, सर भी मुंडा दिया था, एहराम भी खोल दिया था। क्यों? सऊदी हुकूमत की वजारत औकाफ की दावत पर हज में गए थे तो हुकूमत का इंतजाम था, कहीं जाम था ही नहीं, फटाफट सब काम हो गए थोड़ी देर में। अब 8-9 बजे हम तो सब काम करके फारिग हो गए, अब 3 दिन मीना में क्या करना है? उसको अल्लाह ताला फरमा रहे, फैजा कवैतुम मनासिककुम, बस जब तुम तुम्हारे हज के अरकान अदा कर चुको, बस अल्लाह का जिक्र करो, फज़कुरुल्लाह, जैसा जमाने जाहिलियत में तुम अपने असलाफ का तज़किरा करते थे, इस तरह का जिक्र करो बल्कि उससे भी ज्यादा। फैजा कवैतुम मनासिककुम फज़कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा। ये आयत जब नाजिल हुई, जिन लोगों को सुनाई गई उनको तो मालूम है कि पहले इस्लाम से पहले मीना में किस तरह से आबा व अजदाद के तज़किरे होते थे, वो तो जानते हैं। तो उनको कहा कि जैसा तुम इस्लाम से पहले मीना में आबा व अजदाद के तज़किरे किया करते थे, उससे ज्यादा अल्लाह का जिक्र करो। हज इस्लाम से पहले होता था, हज तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अरबों में कंटिन्यू चला रहा है, और हज तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले भी होता था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी हज किया है, लेकिन जो कंटिन्यूस हज चला रहा है वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से चला रहा है। इसलिए इस्लाम से पहले मुशरिकीन भी हज करते थे, मगर उनके हज के शक्लें क्या हो गई थी बिगड़ करके, ये सफा मरवा, एक मूर्ति सफा पर बिठाई थी और एक मूर्ति मरवा पर बिठाई थी, यहां आते थे इसे हाथ लगाते थे, वहां जाते थे उसे हाथ लगाते। अब देखो सफा मरवा की सही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से किस मकसद से आती थी और क्या करके रख दिया। और फिर इसका जो इन दो मूर्तियों के की जो बैत है वो इतनी भूंडी है, कहते हैं एक मर्द की मूर्ति थी, एक औरत की मूर्ति थी, और ये कहते हैं कि ये एक मर्द और एक औरत थे और इन्होंने काबा शरीफ के अंदर जिना किया था, तो अल्लाह ताला ने उनकी सूरत मस्ख कर दी, तो एक को यहां रख दिया और एक को वहां रख दिया इबरत के लिए। अब वो इबरत के बजाय वो खुदा बन गए, यहां जाते इसे हाथ लगाते तबर्रुक के लिए, वहां जाते थे उसे हाथ लगाते तबर्रुक के लिए। ये खुद इसका बैक वो जानते हैं, वो खुद बताते हैं कि ये तो दो जिना करने वाले मर्द और थे जो काबा शरीफ के अंदर उन्होंने मुंह काला किया था और उनकी शक्ल मस्क हुई थी। अब ऐसा कर दी, काबा शरीफ का तवाफ करते थे लेकिन मादरजाद नंगे करते थे,
कोई कपड़ा जिस्म पर नहीं होना चाहिए। और जिस घर से आएंगे तमाम कपड़े निकाल करके खूंटी पर लटका देंगे, जैसे अब लोग जाते हैं तो चप्पल प्लास्टिक की थैली में रखे कहीं बांध देते हैं, और बिल्कुल मादर साहब नंगे होकर बैतुल्लाह का तवाफ करते। और उनका तसव्वुर क्या था, कहते क्या थे कि ये कपड़े पहन के तो हमने गुनाह किए हैं, ये कपड़े पहन के तो गुनाह किए हैं, इन कपड़ों के अंदर कैसे तवाफ करेंगे अल्लाह के घर का। जैसे कपड़े सब निकाल दिए और अब अल्लाह के घर का तवाफ कर रहे हैं, मगर गुनाह नहीं छोड़ रहे। जो गुनाह इतने बुरे समझते हैं कि जो कपड़े पहनकर गुनाह किए हैं वो कपड़े पहनकर तवाफ नहीं कर, गुनाह जरूर करेंगे। और जो कपड़े पहनकर किए हैं वो कपड़े नापाक हो गए, वो अलग कर दिए और अब नंगे तवाफ कर रहे हैं, खुद वो नापाक नहीं हुए, कपड़े नापाक हुए। नमाज भी वो पढ़ते थे, इस्लाम से पहले नमाज भी पढ़ते थे। कैसे पढ़ते थे अल्लाह जाने कैसे पढ़ते थे। कुरान करीम में उसका तज़किरा है, वमा काना सलातुहुम इंदल बैत इल्ला मुकाअ व तस्बिया। अल्लाह ने फरमाया कि नहीं है उनकी नमाज बैतुल्लाह के पास मगर तालियां और सीटियां। अब इन दो लफ्जों से हम पूरा नक्शा हमारे जहन में नहीं आता कि वो किस तरह से पढ़ते थे। जब ये आयत नाजिल हुई वो तो वही जमाने कुफर से निकले हुए हैं, तो जानते हैं वहां किस तरह नमाज पढ़ी जाती। मगर अब इतना जमाना दूर होने के बाद में हम पूरा नक्शा नहीं खींच सकते कि इस्लाम से पहले नमाजें किस तरह वो लोग पढ़ते। बाकी कुरान ने कहा कि तुम्हारी नमाज है क्या, तुम्हारी नमाज तालियां और सीटियां हैं, इतने नमाज है। नमाज उसी वक्त नमाज है जब उसमें अल्लाह का जिक्र है, नमाज उसी वक्त नमाज है जब उसमें अल्लाह का जिक्र है। अगर नमाज में तालियां और सीटियां रह गई तो क्या नमाज रही, नमाज कुछ भी नहीं रही। नमाज तो उसी वक्त तक नमाज है जब तक कि उसमें अल्लाह का जिक्र है। कुरान करीम में अल्लाह पाक का इरशाद है, उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, तिलावत कीजिए आप उस किताब की जो आपकी तरफ वही की गई। जो कुरान करीम ये तमाम इंसानों की तरफ वही किया गया है, वही भेजा गया है, तो हुक्म दिया कि इस कुरान की तिलावत कीजिए। अब लोगों ने जो अरबी नहीं जानते उन्होंने तिलावत का मतलब सिर्फ अल्फाज पढ़ लेना, बस अल्फाज पढ़ लिए आधा पारा पाओ पारा, और वो समझते हैं कुरान कहा कदा हो गया। अरे कहां से कुरान का हक अदा हो गया, कुरान तो आया है तेरी रहनुमाई के लिए, तू उसे समझेगा तो उसमें से तुझे कुछ मिलेगा। क्या आखिरत में सवाब मिलेगा, बेशक आखिरत में सवाब मिलेगा, लेकिन दुनिया में तो कुरान तो दुनिया में तेरी रहनुमाई करने आया है, और दुनिया में तेरी रहनुमाई उस वक्त तो कुरान करेगा तू उसे समझे। मेरे एक भाई हैं भोले भाले, इसी मस्जिद के, इसी मस्जिद में एक भाई है भोले भाले, में उनका नाम नहीं ले रहा। एक दिन मुझसे तन्हाई में सवाल करने आए, कहने मुझसे एक बार मेरे दिमाग में बहुत सालों से एक सवाल है। मैंने कभी क्या है तुम्हारे ऐसा बड़ा भारी सवाल के जो बहुत सालों से है, क्या है। तो कहने लगे कि हम नमाज में हर रकात में अल्लाह से दुआ करते हैं, इहदिन सिरातल मुस्तकीम, अय अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। तो ये दुआ की कोई दुआ ही नहीं, पूरी जिंदगी यही रट लगाते हैं, एक दिन सिरातुल मुस्तकीम अल्लाह ने सीधा रास्ता दिखा। मैंने उनको समझाया कि ये तो दुआ है, इस दुआ का जवाब अल्लाह से कहा कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, इसका जवाब फातिहा खत्म होकर जो सूरत मिलाई जाती है ये उसका जवाब है। क्योंकि सारा कुरान हिदायत, ज़ालिकल किताब ला रैब फी हुदल लिल्मुत्तकीन। हमारे यहाँ अरबी की एक बात है आप आसानी से नहीं समझेंगे, जरा गौर करेंगे समझ में आ जाएगा। अरबी में कायदा है कि जो कुल का वस्फ होता है वो जुज का भी वस्फ होता है, यानी सारी चीज का जो वस्फ होता है वो उसके हर हर जुज का भी वस्फ होता है। जब सारा कुरान हिदायत है तो कुरान का हर हर जुज भी हिदायत है। देखो खरबूजा मीठा, तो उसका हर हर जूस खरबूजा है और मीठा है,
तो सारा मुकम्मल हो तो खरबूजा है और आधा हो जाएगा वो खरबूजा नहीं रहा। नहीं ऐसा नहीं, तो सारा मुकम्मल हो तो मीठा है, एक काश हो तो मीठा नहीं, ऐसा नहीं। जो कुल का वस्फ होता है वही जूस का वस्फ होता है। तो कुरान करीम हुदल लिल मुत्तकीन, सारा कुरान करीम हुदल लिल मुत्तकीन है, तो उसका हर हर जुज हुदल लिल मुत्तकीन है। ये नहीं कि सारा ही कुरान हुदल लिल मुत्तकीन है, वो तो सारा तो है ही, उसका हर हर जुज भी हुदल लिल मुत्तकीन। कुरान करीम की छोटी सी सूरत है, कुरान में सबसे छोटी सूरत वही है वल असर, इन्नल इंसान लफी खुसर। उस सूरत के बारे में हजरत इमाम शाफी अलैहि रहमा का इरशाद है, जो चार इमामों में से एक इमाम है, उनका ये इरशाद है कि अगर सारा कुरान अल्लाह नाजिल न फरमाते, ये सिर्फ वल असर नाजिल फरमाते, तो कयामत तक तमाम इंसानों की रहनुमाई के लिए ये सूरत काफी हो जाती। इसीलिए सूर्य फातिहा पढ़ी और उसमें दुआ किए, इहदिन सिरात अल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। कौन सा रास्ता? इन बंदों का भी नहीं, इन बंदों का भी नहीं, इन बंदों का रास्ता। वो बंदे जिन पर आपने इनाम फरमाया है, दौलत ईमान दी है, दौलत इस्लाम दी है, दौलत तकवा दिया है, उनका रास्ता दिखा। गुमराह, गुमराहों का रास्ता हमें नहीं देखना। जिन पर तेरा गुस्सा टपका, मकबूब अलैहिम, उनका रास्ता हमें नहीं चाहिए। जिन पर अल्लाह का गुस्सा टपका, उनका रास्ता हमें नहीं चाहिए। जो रास्ते से भटक गए, हमें उनका रास्ता नहीं चाहिए। हमें तो उन बंदों का रास्ता देखना है जिन पर आपने इनामात फरमाए हैं, वो सीधा रास्ता हमें नहीं कहा। इमाम ने कहा, सूरत पूरी की तो सब ने जवाब दी, सब ने कहा आमीन। आमीन के माने हमारी सबकी दरखास्त भी यही, सारे मजमे ने कहा कि हमारी सबकी दरखास्त भी यही। सारे मजमे की दरखास्त अल्लाह मियां के यहां गई, हमें सीधा रास्ता दिखाई। अब उसके बाद इमाम पूरे कुरान करीम में से कहीं से कुरान करीम पढ़ेगा, कितना पढ़ेगा, जितना आसान होगा उसके लिए और सुनने वालों के लिए, जितना आसान होगा उसके लिए और सुनने वालों के लिए। आज ही आयतें पढ़ी गई है, फकरू मातयस्सरा मिनल कुरान, बस पढ़ो तुम कुरान में से जितना तुम्हारे लिए आसान हो। तो जमात की नमाज है तो इमाम पढ़ेगा, तन्हा है तो आदमी खुद दरख्वास्त देगा और खुद ही पढ़ेगा। ये जो इमाम पढ़ रहा है, ये अल्लाह की तरफ से जवाब सुना रहा है कि तुम्हारी दरख्वास्त का जवाब ये है। खुद पढ़ रहा है तो अल्लाह की तरफ से खुद ही अपने आप को जवाब सुना रहा है। अपनी दो हैसियतें कर डालनी पड़ती, अपनी दो हैसियतें कर डालनी पड़ती। कैसे? कलमे के दो जूज हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही कलमे के दो जूज हुजूर के लिए भी, हुजूर भी यही कलमा पढ़ते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हुजूर भी यही पढ़ते थे। और जब अजान देने वाला अजान देता था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हुजूर यही जवाब देते थे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं इस बात की गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। और जब मुअज्जिन कहता था अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो हुजूर यही जवाब देते थे कि अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं भी इस बात की गवाही देता हूं कि हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। हुजूर भी यही जवाब देते। यहां जो दो हैसियतें कर दी हुजूर ने, इसी तरीके से हर नमाजी जब फातिहा पढ़कर फारिग होकर सूरत पढ़ेगा तो अल्लाह की तरफ से पढ़ेगा। किसे सुनाएगा? अपने आप को सुनाएगा। अब वो जितना हिस्सा उसने पढ़ा है उसमें नेक लोगों का रास्ता बतलाया गया है कि तुम जो दरख्वास्त करते हो कि नेक लोगों का रास्ता, ये पूरा कुरान करीम नेक लोगों का रास्ते का बयान है। चाहिए तो ये था कि इस दरखास्त के जवाब में हर रकात में पूरा कुरान पढ़ा जाता, मगर ये बहुत हुक्म बहुत विश्वार हो जाता।
और जरूरत भी नहीं थी। मैंने बतलाया कि कुल का जो वस्फ होता है बाज का भी वही वस्फ होता है, तो सारा पढ़ना जरूरी नहीं है, अगर उसका थोड़ा सा हिस्सा पढ़ लिया जाएगा तो अभी वो इस देना का जवाब हो जाएगा। यहां कोई सोचता होगा कि हम जो जोहर और असर की नमाजें पढ़ते हैं उसमें दरख्वास्त जो अल्लाह की बारगाह में होती है और फिर अल्लाह की तरफ से जो जवाब आता है वो इमाम साहब अकेले पढ़ लेते हैं, उन्होंने दरख्वास्त पेश कर दी, उन्होंने जवाब ले लिया, हमें तो कुछ मिला ही नहीं, हम तो पीछे चुपचाप खड़े हैं। यानी दूसरे अल्फाज में यूं कहो कि ये दो नमाजें खामोश क्यों हैं, जैसे तीन नमाजें जहरी हैं ये दो नमाजें खामोश क्यों हैं। ये सवाल करते हैं कुछ लोग और आपके जहन में भी ये सवाल आ सकता है। इसके दो जवाब हैं। पहला जवाब यह है कि मालूम नहीं, ये दो नमाजें खामोश क्यों हैं मालूम नहीं। एक वाकया सुनाऊं, एक बहुत बड़े सहाबी हैं हजरत अम्मार इब्न यासिर रदियल्लाहु ताला अन्हु, बहुत बड़े सहाबी हैं। उनके एक तालिब इल्म ने यानी जो ताबी है उसने हजरत अम्मार से ये सवाल किया कि ये जोहर और असर ये दो नमाजें खामोश क्यों हैं, तो हजरत अम्मार ने ये कहा भी मालूम नहीं क्यों, हमें हुजूर ने जो नमाजें जहरन पढ़ाई हम तुम्हें जहरन पढ़ाते हैं और जो हुजूर ने हमें सिरन पढ़ाई हम तुम्हें सिरन पढ़ाते हैं, तीन ऐसी क्यों हैं, दो ऐसी क्यों हैं मालूम नहीं। ये उस तालिबे इल्म को जवाब दिया हजरत अम्मार इब्न यासिर रदियल्लाहु तआला अन्हु ने। जब मुझसे कोई ये मसला पूछता है तो मैं उससे कहता हूं कि सुन भाई, मेरे पास हजरत अम्मार से ज्यादा इल्म नहीं, हजरत अम्मार इब्न यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास जितना इल्म था मेरे पास इतना नहीं, मेरे पास तो उसका सवा भी नहीं है ढेला भी नहीं। तो हजरत अम्मार को मालूम नहीं था तो मुझे कहां से मालूम हो जाएगा, जो बात हजरत अम्मार कहते हैं हमें नहीं मालूम, हुजूर ने जैसे पढ़ा ऐसे हम पढ़ाते हैं, तो मैं तुझे कहां से जवाब दूं। या तुम ये कहो कि नहीं हजरत अम्मार को तो मालूम था मगर जो सवाल पूछ रहा है उसका उसकी सलाहियत उसकी एबिलिटी इतनी नहीं थी कि वो जवाब समझ सके, इसलिए हजरत ने तरखा दी बात चला दी। ये साफ नहीं कहा कि मुझे नहीं मालूम, ये तो मैंने कहा, हजरत अम्मार ने ये नहीं कहा कि मुझे नहीं मालूम, ये नहीं जवाब दिया, ये जवाब दिया कि भाई जो हुजूर ने हमें जोर से पढ़ाई हम तुम्हें जोर से पढ़ाते, जो आहिस्ता पढ़ाए हम भी तुम्हें आहिस्ता पढ़ाते। हो सकता है हजरत अम्मार वजह जानते हो मगर इसे इसलिए नहीं बतलाएगी कि अभी इसके पास इतना इल्म नहीं है कि इसे वो समझ सके। हर मसले को वो जिस लेवल का मसला है उस इतना माइंड का लेवल होना चाहिए तो वो मसला समझ में आएगा, अगर माइंड का वो लेवल नहीं तो मसला नहीं समझ में आएगा। हमारे यहां तालिब इल्म 8 साल में मौलवी बनते हैं तो कि नीचे के दर्जों में तालिब इल्म एक बार पूछता है तो हम उसको जवाब नहीं देते, हमें कहेंगे अभी अभी रहने दे, जब तू बालिग हो जाएगा तो बता देंगे। यानी अभी तो तू अरबी डोम पढ़ रहा है, अभी तेरी सलाहियत ही नहीं इस बात की, अभी तू कहीं हफ्तुम शशुम हफ्तुम हश्तुम में पहुंचेगा मिश्कात दौरे में पहुंचेगा तब तुझे ये बातें बता देंगे, अभी वक्त नहीं आया इन बातों का, बालिग होने का मतलब ये। तो हर मसले को समझने के लिए दिमाग का एक लेवल चाहिए, उस लेवल तक उसका नॉलेज है तो उस मसले को समझ सकेगा वरना नहीं समझ सकेगा। तो हजरत अम्मार ने उसे क्यों नहीं बताया, वो समझते हैं कि इसके दिमाग का इतना लेवल नहीं जो इस मसले को समझ सके, जवाब इस सवाल का जवाब समझ सके, तो हजरत ने जवाब नहीं बताया। अगर ये वजह है और बज़ाहिर ये वजह है, बज़ाहिर ये वजह है, हजरत अम्मार ने क्लियर ये नहीं कहा मैं नहीं जानता, ये नहीं कहा था, हो सकता हजरत अम्मार जानते हो और इसको इसलिए न बताया, तो मैं पूछने वाले से बताता हूं कि वो तो ताबी ही था, सहाबा का शागिर्द था, उसका जितना दिमाग का माइंड का लेवल था तेरा उतना है, आज किसका है, आज बड़े से बड़े आलिम का भी माइंड का लेवल वो नहीं है जो ताबीन के जहन का था।
तो जब हजरत अम्मार के सामने जो ताबी है उसको वो समझते हैं कि इसकी समझने की सलाहियत नहीं है, तो तेरे अंदर कहां से सलाहियत आ गई इसको समझने। तो एक जवाब तो इसका ये है कि भाई ये दो नमाजें खामोश क्यों हैं, ये तीन नमाजें लाउड क्यों हैं, नहीं मालूम। जैसे अल्लाह ने अपने रसूल को हुक्म दिया ऐसे ही अल्लाह के रसूल ने आगे पढ़ाई, ऐसे उम्मत ने आगे पढ़ाई, और उसी तरह से हम पढ़ते चले आ रहे हैं। दूसरा जवाब, एक ने यही सवाल किया तो मैंने उसे कहा भाई तेरी शादी हुई, तो कहने हो गई। मैंने कहा तुम मियां बीवी कभी गप करते हो? भाई हसबैंड बैठे भाई गप होती, बातें घंटों बातें दोनों की चलती, गप करते हैं? हाँ करते हैं। मैं कब करते हो? रात में करते हो, दिन में करते हो? चलने के मैं समझ जाए जवाब है, अगर तुम इसे पूछ सको समझ सको तो ये जवाब है कि उनके बातें जोर जोर से बातें करना ये रात को जी चाहता है, दिन में तबीयत खुलती नहीं है जोर जोर से बात, थोड़ी बहुत इशारा कर दे ये कर दे जरा कर दे। मियां बीवी की बातें दिन में भी होती है मगर कोई मुख्तसर, और रात को जब मियां बीवी बैठते हैं तो घंटों बातें ही चलती रहती है, सोते ही नहीं। और बाद मतलब इतना बोलते हैं कि करीब में पड़ोसी करीब के कमरे में माँ बाप लेते हैं वो सुन रहे हैं, उनको इतनी भी तहजीब नहीं होती कि आहिस्ता बात करें वो माँ बाप न सुने। ये बातें चल रही है मैं शौक में मौज में, मालूम हुआ कि रात का जो टाइम है उसकी कुछ खसूसियत है और दिन की जो टाइम है उसके कुछ अलग अहवाल है। बस इतना ही समझाया जा सकता है, इससे आगे नहीं ले जाया जा सकता। यानी दिन का जो टाइम है उस टाइम का तकाजा ये, और रात का जो टाइम है उस टाइम का तकाजा ये। फिर आदमी सलाम ऐसी सवाल करता है कि जुमा में जोर से क्यों पढ़ते हैं, ईदेन में जोर से क्यों पढ़ते हैं, वो भी तो दिन में है। तो उसकी वजह और है, यहां होता होगा, हमारे यहां हिंदुस्तान में तो नहीं होता। हमारे यहां हिंदुस्तान में तो सुहाग रात आती और यहां तो सुहाग दिन भी आता, क्यों दिन में रुखसती होती नहीं कभी कभी? अरे बोलते क्यों नहीं बताओ मुझे, यहां क्या होता है? हमारे यहां बिल्कुल ये तस्वीर नहीं कर सकता कोई कि शादी होने के बाद दिन में रुखसती हो, हमारे यहां तो सुहाग रात आती है। सुहाग के माने जफात, मियां बीवी का मिलना, तो हमारे यहां तो सुहाग रात आती है, यहां तो आप लोगों का सुहाग दिन भी आता है। ये जो सुहाग दिन आएगा उसमें मियां बीवी बातें करेंगे नहीं करेंगे, या खामोश रहेंगे दोनों? करेंगे। मालूम है कुछ ओकेजन ऐसे हैं कि दिन में भी बातें हो सकती हैं, कुछ मौके ऐसे हैं जो दिन में भी बातें होंगी, उसे तबीयत खुलती है। क्यों? ये जो सुहाग दिन है जिस पहले दिन में बंद कमरे में मियां बीवी मिले हैं, यहां तबीयत में बशास होंगे और बातें होंगी। तो ये जो मौके हैं ये खास प्रसंग हैं। जुमा को आदमी छह दिन से उसका इंतजार करता है, फिर नहाता है, कपड़े बदलता है, इकट्ठा होते हैं, और कितने आदमी इकट्ठा होते हैं, सारा शहर एक जगह इकट्ठा होता है। अब तो शहर बड़े बड़े हो गए इसलिए जगह जगह जुमे होने लगे, और मस्जिदें कम हुई तो एक एक मस्जिद में चार चार जुमे होने लगे। बाकी पहले पूरे शहर में एक ही जगह जुमा होगा, दो जगह जुमा नहीं हो। यही हाल ईदेन का है कि महीने भर से उस ईद का इंतजार है, ईद आती कपड़े बदलते हैं, खुशियां मनाते हैं, सारा मजमा इकट्ठा होता है, जंगल में जाकर सारा शहर एक साथ इकट्ठा हो। ये जो खास ओकेजन है उसकी वजह से तबीयतों में बशासत पैदा हो जाती है, और जब बशासत पैदा हो जाती है तो वो रात वाली सूरत हाल दिन में भी हो जाती है। इसलिए खास ओकेजन के अहवाल अलग हैं, उमूमी कॉमन अहवाल अलग है। कॉमन अहवाल में जो नाइट है उसका नेचर और है, और जो डे है उसका नेचर और है। उस नेचर का लिहाज करके ये दो नमाजें जो डे की हैं वो खामोश रखी गई हैं, और ये तीन नमाजें लाउड रखी गई हैं। तो मैं तो मेरे अपने भाई का वो किस्सा सुना रहा था,
وہ سالوں سے بیچارہ پریشان ہے کہ ہم یہ اہدنا صراط المستقیم اہدنا صراط المستقیم یہی رٹ لگاتے رہتے ہیں ہر رکعت میں, یہی دعا, اور کوئی دعا ہی نہیں. اس بیچارے کو یہی نہیں معلوم کہ یہ جو رٹ لگاتے دعا مانگتے ہیں اس کا تو فٹ سے جواب آتا ہے, وہ جو فٹ سے جواب آتا ہے اس کو اس کا پتا ہی نہیں. یہ کیوں صورتحال ہے؟ ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں, ساری زندگیاں گزر جاتی ہیں قرآن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے, اور ہمارے دماغوں میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ تلاوت کرنے سے ثواب ملتا ہے. سمجھنا ضروری نہیں ہے, تلاوت کرنے سے ثواب ملتا ہے. بے شک جو ثواب ہے وہ تلاوت کرنے پر ملتا ہے, چاہے سمجھو چاہے نہ سمجھو ملتا ہے, لیکن وہ ثواب تو آخرت میں ملے گا. یہاں دنیا میں کیا ملا؟ دنیا میں تو قرآن تیری رہنمائی کرنے آیا ہے. وہ قرآن کی رہنمائی تو اسے سمجھے گا تو تیری رہنمائی ہوگی, تو سمجھے گا ہی نہیں تو کہاں سے رہنمائی ہوگی. تو اس لیے میرے بھائیوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ حکم دیا, اتل ما اوحی الیک من الکتاب, تلاوت کر تو اس کتاب کی جو تیری طرف بھیجی گئی. یہ 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو کتاب تیری طرف بھیجی گئی ہے اس کی تلاوت کر. وأقم الصلاة, اور نماز کا اہتمام کر. نماز پڑھ, نہیں نماز پڑھ نہیں, نماز کا اہتمام کر. اہتمام میں بہت چیزیں داخل ہیں. ٹائم ٹو ٹائم نمازیں پڑھی جائیں, ڈھنگ سے پڑھی جائیں, مکرو وقت میں نہ پڑھی جائیں, مستحب وقت میں پڑھی جائیں, بلا عذر کے تنہا نہ پڑھی جائیں, جماعت کے ساتھ پڑھی جائیں, یہ سب نماز کا اہتمام کرنے میں داخل ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی کے گناہوں سے, بے شرمی والے گناہ, زنا, لواطت وغیرہ, اور ہر ناجائز کام سے, منکر ہر ناجائز کام, جتنے ناجائز کام ہیں, جتنے بے حیائی کے کام ہیں ان سے نماز روکتی. یہاں لوگ ایک سوال کیا کرتے ہیں کہ ہم نے تو ایسے نمازی دیکھے ہیں کہ نماز بھی پڑھتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں. ایک عام سوال ہے, یہ سوال بیکار ہے. سوال کب ہو؟ اللہ یہ فرماتے کہ نماز نمازی سے کوئی بے حیائی کا کام نہیں ہونے دیتی. نماز نمازی سے کوئی ناجائز کام نہیں ہونے دیتی. تو اب آپ کہتے کہ اللہ تو یہ فرما رہے ہیں, ہم تو دیکھتے ہیں کہ نماز بھی پڑھ رہا گناہ بھی کر رہا. اللہ نے تو یہ تو نہیں فرمایا, اللہ نے تو یہ فرمایا کہ نماز روکتی ہے. اب نماز روکتی ہے, اس کا روکنا آدمی قبول کرے تو رکے گا گناہ سے, اگر قبول نہ کرے. باپ بیٹے کو روکتا ہے کہ بیٹا یہ تو غلط کر رہا ہے, مگر وہ نہیں مانتا, کرتا رہتا ہے. استاد شاگردوں کو روکتا ہے کہ بھئی یہ غلط طریقہ ہے, تم یہ کرم کرو. شاگرد نہیں مان, چپکے چپکے کرتے. تو نماز تو کم روکنا ہے, نماز کو خدا نہیں ہے کہ وہ جیسے اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے, نماز کے اختیار میں سب کچھ ہے. نماز روکتی ہے, باپ روکتا ہے, استاد روکتا ہے, مگر بیٹا نہیں مانتا, شاگرد نہیں مانتا, اور ڈھل سے کرتا ہے یا چپکے سے کرتا ہے. تو نماز روکتی ہے پھر بھی یہ نہیں مانتا بندہ, اور گناہ کرتا رہتا ہے. تو نماز کے روکنے پہ نماز تو روکتی ہے. اور اگر تمہارے پاس میں کوئی ایسا طریقہ ہو کہ تم اس نمازی کا دو آدمی لاؤ, ایک یہ نمازی, ایک یہ بندہ ہے جو کبھی نماز نہیں پڑھتا, وہ بیل سے بھی بدتر ہے. بیل جانتے ہو؟ وہ یہاں کی بیل, ٹیلی فون والی بیل نہیں, وہ جانور بیل, اپنے ہندوستان والی بیل, اس سے بھی بدتر ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا بیل مسجد میں گھس گیا, تو اس نے وہاں پودے وودے خراب کر دیے, سہن وہن میں گوبر کر دیا, تو لوگوں نے مار کر کے اسے بھگایا, بیل کو مارا, مار کر کے چھوڑ کر آیا, اور اسے کہا کہ تو اپنے بیل کی حفاظت نہیں کرتا, کھلٹے سے باندھتا نہیں, مسجد ساری خراب کر دی. تو اس نے کہا کہ وہ بیل ہی تو تھا جو مسجد میں گیا, مجھے بھی کبھی دیکھا مسجد میں؟ میں نے کہا وہ بیل ہی تو تھا جو مسجد میں گیا, مجھے بھی کبھی دیکھا مسجد میں. تو یہ بیل سے بھی بدتر ہے. تو ایسا بیل سے بھی بدتر آدمی ہو, ایک تو اس کی ایگزام پڑھ لو,
और एक एग्जाम्पल लो, एक आदमी नमाजी है, चाहे रेगुलर हो या न हो, लेकिन एक बहरात पढ़ता है, लेकिन वो 8 का या 360 का नहीं होना चाहिए। नमाजी चार किस्म के हैं, 8 का, 8 का, 8 का, 360 का। 8 का यानी रेगुलर नमाज पढ़ता है, 5 का नमाज है, 8 से नमाजें पढ़ता है, और 8 का वो है जो जुमा जुमा को आ जाता है, और 8 का वो है जो खानदान में कोई मर जाए तो शर्मा शर्मी में जनाजे में जाना है तो जनाजे में खड़ा हो गया, अब सबके साथ गया तो कैसे अलग रहे, ये 8 का नमाजी, और 360 का ईद के नमाजी। तो नमाजी होना चाहिए, 8 का होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, ये जो 8 के, 8 के, 360 के वो नहीं। दो मिसालें लो, एक मिसाल है ये जो बैल से भी बदतर है, और एक ये 8 से नमाजी है, और एक ही गुना में दोनों मुब्तिला है, कोई गुना फर्ज कर लो उस गुना में मुब्तिला है। अगर आपके पास कोई तरीका हो, आप दोनों के दिल चीर कर देखें और दिल के अंदर का एनालाइज करें, तो आपको इस शख्स के दिल के अंदर पशेमानी मिलेगी कि वो गुनाह जरूर करता है, मगर जिसका दिल रोता भी होगा, उसका दिल रोता भी होगा और गुनाह करेगा, और इसके दिल में कोई पशेमानी दूर भी नहीं होगी। ये जो इसके दिल में पशेमानी है, जो दिल रो रहा है, यही वो नमाज का असर है। नमाज समझाती है, समझाती है, समझाती है, मगर किसी वजह से ऐसे अकल पर पत्थर पड़ गए हैं, या शहवत गालिब हो गई है, या एक शैतान सवार हो गया है कि वो नमाज के समझाने के बावजूद उस गुनाह से नहीं रुकता। गर्ज कुरान ये कहता है कि नमाज रोकती, ये नहीं कहता, अल्लाह ने फरमाया कि नमाज गुनाह नहीं होने देती, नहीं नमाज गुनाह नहीं होने देती, ये नहीं फरमाया। सवाल तो उस वक्त होगा जबकि ये होता कि नमाज नमाजी से कोई गुनाह नहीं होने देती, तो आप कहेंगे कि हमने जैसे नमाजी देखे, लेकिन अल्लाह से ये फरमाते कि वो रोकती है, वो बेचारी रोकती रहती है, रोकती रहती है, मगर किसी वजह से इंसान गुनाहों में मुब्तिला रहता है, मगर इस हाल में मुब्तिला रहता है जो मैंने बतलाया। उसके बाद है वाला जिक्र अल्लाह अकबर, और अलबत्ता अल्लाह की याद, इस फायदे से बड़ा फायदा, इस मकसद से बड़ा मकसद है, यानी गुनाहों से, नाजायज कामों से रोकना, ये भी नमाज का फायदा है, लेकिन ये छोटा फायदा है। इससे बड़ा फायदा क्या है नमाज का? उससे बड़ा फायदा है कि नमाज अल्लाह का जिक्र है। वला जिक्रुल्लाह अकबर वल्लाहु यालम मा तसनऊन, और अल्लाह खूब जानते हैं तुम क्या करते हो, यानी नमाजें कैसी पढ़ते हो अल्लाह को सब मालूम है। अगर उस नमाज में जिक्र है तो वो नमाज है, और नमाज का सबसे बड़ा मकसद वो जिक्र है, और अगर नमाज में अल्लाह का वो अल्लाह का जिक्र नहीं है, जितना मतलूब है इतना नहीं है, तो वो नमाज मुनाफिकों वाली नमाज है। हदीस शरीफ है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यजलिसु अहदुकुम यरकुबु यरकुबु शम्स يَجْلِسُ أَحَدُكُمْ يَرْكُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا। इस हदीस के शुरू में तीन मरतबा हुजूर ने फरमाया, تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ, ये तीन मरतबा फरमा कर ये मजमून फरमाया है। फरमाया ऐसी नमाज तो मुनाफिक की नमाज है, ऐसी नमाज तो मुनाफिक की नमाज है, ऐसी नमाज तो मुनाफिक की नमाज है, बैठा बैठा सूरज देखता रहता है, ये जैसे ये रकम शम्स कि यहां तो सूरज नजर नहीं आता, तो घड़ी देखता रहता है, घड़ी देखना सूरज देने एक सा है, यहां तक कि सूरज शैतान के दो सिंगों के बीच में पहुंच गया, यानी पीला पड़ गया, जमीन पर जो धूप उसकी पड़ रही है वो भी पीली नजर आ रही है, लाल थाली जैसा सूरज बन गया, मकरू तहरीमी वक्त शुरू हो गया, अब उठता है, और जल्दी जल्दी उसने चार ठोंगे मार ली, फकामा फनकर अरबन, उठो, और उठकर के जल्दी जल्दी उसने चार ठोंगे मार ली, नहीं जिक्र करता वो नमाज उस नमाज में अल्लाह का मगर बराए नाम,
تو حضور نے فرمایا یہ نماز ایسی نماز تو منافق کی نماز ہے. دیکھو یہاں سے مسئلہ نکلا, یہ جو تین اوقات ہیں اس میں نماز کیوں ممنوع ہے؟ سورج نکل رہا ہو, سر پہ آ جائے, ڈوب رہا ہو, ان تین اوقات میں نماز کیوں ممنوع ہے؟ یہ حدیث شریف نے بتلایا کہ شیطان کے دو سنگوں کے بیچ میں شیطان سورج چلا گیا. یعنی یہ تین اوقات ایسے ہیں کہ ان تینوں وقتوں میں جو سورج کی پوجا کرنے والے ہیں وہ ان تین اوقات میں سورج کی پوجا شروع کر دیتے. سورج نکل رہا ہو اس وقت بھی سورج کے جو سورج پوجنے والے لوگ ہیں وہ سورج کی پوجا کریں گے. جب بالکل سر پہ جائے گا اس وقت بھی پوجا کرتے ہیں, اور جب ڈوب رہا ہو اس وقت بھی کرتے. آپ ہندوستان میں ہم نے تو خوب دیکھتے ہیں کہ سورج نکلنا تو ہندو ہاتھ جوڑ کے یوں کھڑا رہے گا سورج کی طرف, ڈوب رہا ہو تو یوں ہاتھ جوڑ کے کھڑا رہے گا. ایسے وقت میں اللہ کی عبادت نہیں کی جائے گی, کیونکہ سورج ادھر ڈوب رہا ہے, ادھر ایک ہندو بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے اور ایک مسلمان بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے, دونوں کا منہ سورج کی طرف ہے. ایک سورج کو پوج رہا ہے, ایک سورج کے پیدا کرنے والے کو پوج رہا ہے, دونوں میں کیا فرق رہے گے؟ جن ملکوں میں قبلہ مشرق کی طرف ہے, جدھر سے سورج نکل رہا ہے ادھر ہی قبلہ ہے. اب وہاں سورج نکل رہا ہے اور ایک ہندو ہاتھ جوڑ کے سورج کو کھڑا ہے اور ایک مسلمان ہاتھ باندھ کر کے سورج کی طرف کھڑا ہے. ابھی یہ کس کی پوجا کر رہا ہے اور یہ کس کی پوجا کر رہا ہے؟ دونوں سورج کی طرف کر رہے ہیں. اس لیے ان تین اوقات میں نماز ہی ممنوع کر دی تاکہ مشابہت دھوکہ نہ ہو, مشابہت ایک دوسرے نہ ہو, اس لیے ان تین اوقات کے اندر منع کیا گیا. اور وہ جو دو وقت ہیں واجب نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں, کوئی نماز قضا ہو آپ پڑھیے, نفلیں پڑھنا منع ہے. کیوں؟ نفلیں پڑھنا جو ہے جو نفلوں کے شوقین ہیں وہ جب نفلیں شروع کرتے ہیں تو کھٹاکٹ پڑھتے رہتے ہیں, ایک ایک رات میں ایک ایک ہزار نفلیں پڑھتے ہیں. تو اب یہ جو نمازوں کے عاشق ہیں جب یہ اثر کے بعد یا فجر کے بعد نفلیں پڑھنی شروع کریں گے تو ان کو تو ہوش ہی نہیں رہے گا, اور وہ جو مکرو تحریمی وقت ہے طلوع اور غروب کا وہ آ جائے گا, نمازیں چلتی رہیں. اس لیے پابندی لگا دی کہ بس اب اس کے بعد نفلیں نہیں پڑھنی, تاکہ وہاں مکرو وقت میں نہ پہنچ جائیں نفلیں پڑھتے پڑھتے. اس مقصد سے اسی لیے اگر کوئی قضا پڑتا ہے نماز کی تو وہ تو لمیٹڈ ہے, چار رکعت ہیں, چھ دو رکعت ہیں, وہ پڑھ کر فارغ ہو گیا, بات ختم ہو گئی. نفلیں ہی ایک ایسی ہیں کہ مسلسل چلتی رہیں گے, مسلسل چلتی رہیں گے. اس لیے ان دو وقتوں میں نفلیں ممنوع ہیں, اور ان تین وقتوں میں ہر نماز ممنوع. اگر جب بات دوسری پہ چلی گئی, میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اس حدیث شریف میں حضور نے اس نماز کو منافق کی نماز قرار دیا. کیوں؟ اس میں اللہ کا ذکر ڈھنگ سے نہیں ہوا, اور اثر میں کتنی ٹھونگے ماری جاتی ہیں؟ چار یا آٹھ. کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ اور حضور فرمائے کہ نقر اربان, چار ٹھونگے ماری. کیسی ٹھونگے مارتے ہیں؟ ابھی سجدہ کیا, ذرا سا سر اٹھایا, پھر دوسرا, پھر دو سجدے کا ایک ہی ہوا سجدہ. بہت کچھ لوگ ہیں سجدہ کریں, ذرا سا اٹھا کے بولتے. مسئلہ سمجھو, سجدے سے اگر آپ سر اٹھا کر بیٹھنے کے قریب ہوں گے اور پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے تو دو سجدے ہوں گے, اور اگر بیٹھنے کے قریب نہیں ہے, سجدے کے قریب ہیں اور دوسرے میں چلے گئے, دو سجدے نہیں ہو, ایک ہی سجدہ ہوگا. اور دو سجدے فرض ہیں, ایک فرض چھوٹ گیا, نماز نہیں ہوئی. اور اگر آپ بیٹھنے کے قریب ہو گئے اور پھر گئے تو اب دو سجدے ہوئے اور فرض ادا ہو گیا, لیکن اٹھ کر کے رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا اور کھڑا ہو کر اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دینا اور ہر ہڈی اس کے جگہ میں سیٹ ہو جائے, پھر سجدے میں جانا, اس کا نام تعدیل ارکان ہے. ایسے ہی پہلے سجدے سے اٹھ کر بالکل سیدھے بیٹھ گئے اور سیدھے بیٹھ کر بدن ڈھیلا چھوڑ دو اور ہر ہڈی اس کی جگہ میں سیٹ ہو جائے, اب پھر دوسرے سجدے میں جاؤ, یہ واجب ہے. لہٰذا اگر وہ آپ بیٹھنے کے قریب ہوئے ہیں مگر پورے بیٹھے نہیں اور دوسرے سجدے میں چلے گئے تو واجب چھوڑ دیا, واجب چھوڑ دیا. سجدے سہو یہ ایسا واجب ہے کہ سجدے سہو سے اس کی تلافی نہیں ہوگی. اگر ایسا واجب چھوڑا ہے, نماز دوبارہ پڑھو.
तो ये जो ठोंगे मार रहा है सजदे तो आठ कर रहा है, मगर उन सजदों के बीच में जो फसले है तालील अरकान वो नहीं कर रहा, इसलिए हुजूर ने कहा चार ठोंगे मारी। तो अब जिसने चार ठोंगे मारी हो, बराए नाम अल्लाह का जिक्र किया हो, कैसा हम लोग ऐसा ही करते हैं, रुकू में सुबह बिले सुबह बिले सुन अल्लाह को क्या कहा अल्लाह जाने क्या सुबह बिले सुबह क्या कहा अल्लाह जाने क्या कहा। अरे भाई साफ अल्फाज को अदा करो, सुबहान रब्बी अल अज़ीम, एक मरतबा जितनी देर में कहता हूं तीनों कह डाले, तो ये कोई अल्लाह का जिक्र करना है, ये तो खेल है एक अच्छा खासा। या फातिहा पढ़ी, एक बड़ी आयत या तीन छोटी आयत जल्दी जल्दी पढ़ डाली, गर्ज इस तरह की नमाजें जो बार बार घड़ी देखता है सूरज देखता है, अभी तो टाइम है अभी तो टाइम है अभी तो टाइम है, जब टाइम तंग हो गया और मकरू वक्त हो गया और अब सूरज डूब रहा है या डूबने वाला है, अब जल्दी जल्दी उठता है और जल्दी जल्दी चार रकात पढ़ डालता है सूरज गुरु होने से पहले। हुजूर ने फरमाया मुनाफिक की नमाज है, क्यों इसमें नमाज का जो मकसद है अल्लाह का जिक्र वो इसमें नहीं पाया जा रहा, ये तो अल्लाह का नाम बराए नाम कर रहा है, अल्लाह का जिक्र इसमें बराए नाम कर रहा है। हजरत मूसा अलैहि सलातो वस्सलाम को अल्लाह ताला ने कुरान करीम में नमाज का हुक्म दिया है तो साथ में उसके वजह भी बताई है, फरमाया अकीम सलात ले ज़िक्री, ये मूसा अलैहि सलाम को हुक्म दिया था, वो कुरान में आया है कि आप नमाज का एहतमाम कीजिए मेरे जिक्र के लिए। तो असल मजमून तो मैं ये बता रहा था कि ये जितनी बदन से मुताल्लिक इबादतें हैं वो सब अल्लाह का जिक्र है, वो सब अल्लाह का जिक्र है। आप कहेंगे रोजा तो किस तरह जिक्र है, ये जो हम रोजा रखते हैं ये जिक्र अल्लाह का किस तरह बन गया जिक्र, ये जो रात भर करते हो ये क्या करते हो, ये रोजे ही की तो बरकत है। जरा रमजान खत्म हो जाए फिर जरा 20 रकात पढ़ के दिखाओ एक महीने के लिए, रमजान खत्म होने के बाद में एक महीने तक 20 रकातें पढ़ के दिखाओ, नहीं पढ़ पाओगे, न जमात से पढ़ पाओगे न अकेले पढ़ पाओगे, इल्ला अल्लाह के कोई बहुत ऊंचे बंदे उनकी बात अलग है, बाकी आम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। और रमजान शरीफ में सिर्फ वो 11 महीने के रेगुलर नमाजी ही 20 रकातें नहीं पढ़ते, जो उन 11 महीनों में नहीं आते वो भी अल्लाह के फजल से पहुंच जाते हैं। क्यों रमजान में क्यों आ जाते हैं, वो शैतान जकड़ दिया गया है जेल खाने में बंद कर दिया है, वो अब नहीं रोकता, और दूसरे महीनों में वो कम वक्त रास्ते में आकर आग बन जाता है। और लोग आते हैं और अल्लाह के फजलो करम से दूसरे महीनों से अल्लाह का ज्यादा जिक्र करते हैं, ये जो रातों की सूरत हाल है ये दिन के रोजे की बरकत। और अल्लाह के बहुत से बंदे हैं जो दिन में भी अल्लाह का जिक्र करते हैं और रात में, तो उस रोजे की वजह से रात में तो हर जिक्र बंदा जिक्र है। याद है कुरान करीम में है कि रमजान के रोजे इसलिए फर्ज किए गए हैं कि रमजान में कुरान उतारा गया, और वह कुरान उतारा गया इसलिए रोजे फर्ज है। और कुरान कब पढ़ना है, रात में तरावी में पढ़ना है। मालूम हुआ कि उन रोजों के कुछ असरात इस रात की नमाजों पर पड़ते हैं, तो रोजा भी अल्लाह का जिक्र यूं बन जाता है। गर्ज ये जो अल्लाह ने फरमाया कि ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारी दौलतें तुम्हारी औलाद तुमको अल्लाह की याद से गाफिल न करे। अगर तुम्हारी दौलतों ने और तुम्हारी औलाद ने तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल कर दिया तो तुम कहीं के नहीं रहे। तो दुनिया में तो दौलतें बहुत मिल गई, औलाद का भला हो गया, दुनिया है क्या रोज की, ये तो सुहाना ख्वाब है, दुनिया है क्या रोज की, ये तो सुहाना ख्वाब है, आज है कल नहीं है, डलती छांव है, असल जिंदगी तो आखिरत की है, वहां पहुंचे तो वहां कुछ नहीं तुम्हारे लिए। फौलाए वमन यफअल ज़ालिका फौलाइका हुमुल खासिरून, जो ये काम करते हैं यही घाटे में रहने वाले हैं, यानी दुनिया में नहीं आखिरत में। दुनिया में तो औलाद हो सकती है बहुत मिल जाए और मौज शौक कर लेंगे और दौलतें मिल जाएंगे और बड़े मकान बन जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन दुनिया तो है क्या रोज की, तो सुहाना ख्वाब है।
और जो असल जिंदगी है उस असल जिंदगी में तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया? इस दुनिया में तुमने बदनी इबादतें ही नहीं की, अल्लाह के जिक्र से इन चीजों ने तुम्हें गाफिल कर रखा। आदमी दुकान पर बैठा है, हाथ में घड़ी बंधी हुई, वो जानता है कि एक बजने वाला है, जोहर की नमाज खड़ी होने वाली, मगर दुकान बंद करके मस्जिद में नहीं जा सकता। क्यों? इस उम्मीद पर बैठा है कि हो सकता कोई गाहक आ जाए, कोई गाहक आ जाए, कोई गाहक आ जाए, कोई गाहक आ जाए, कोई गाहक आ जाए। हर जाने वाले को देखता है कि मेरी दुकान में आ रहा है या आगे जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है या मेरी तरफ दुकान में आ रहा है। सवा एक हो गए और कोई भी दुकानदार नहीं आया। होता है ऐसा, रोज होता रहता है, मगर उस होप कोई गाहक आ जाए, मालूम नहीं क्या सौदा ले जाएगा, उसे कितना नफा हो जाएगा। ये जो उम्मीद बंधी हुई दौलत की, वो अल्लाह के जिक्र से गाफिल की है। जॉब भी उसी तरह से इंसान को गाफिल किए हुए होता है। आदमी हजार बहाने बनता है, बॉस छुट्टी नहीं देता, जॉब छोड़ता नहीं है, नमाज कैसे पढ़े, ये करें वो करें, दुनिया भर के बहाने। हालांकि जो जॉब के बीच में नमाजों का टाइम आता है, वो नमाज पढ़ने जाना चाहता है और आधा घंटा जो नमाज पढ़ने गया उसकी तनख्वाह भी बॉस से मांगता है, लाओ पैसे इस आधे घंटे, तो बॉस क्यों देगा उसके पैसे? भी तूने नमाज बॉस के लिए पढ़ी, अल्लाह के लिए पढ़ी, अपने लिए पढ़ी? आज मुसलमान ये गलती करता है, आम मुसलमान गलती करता है। अब फर्ज करो आपके जॉब में जोहर असर मगरिब तीन नमाजें पढ़ती है, तो डेढ़ घंटा तो आप नमाज पढ़ने गए और डेढ़ घंटे की तनख्वाह भी मांगते, एक घंटे के $20, डेढ़ घंटे के $30, ये $30 बॉस किस खुशी में देगा? आप जिस दिन मुलाजिमत तय करें उस दिन पहले कहें कि देखो ये तीन नमाजें हमारी जॉब में पढ़ेंगे, हम ये तीन ही जाएंगे, आधा घंटा लगाएंगे, इस वक्त की तनख्वाह नहीं लेंगे, तुम चाहोगे तो ओवर टाइम हम देंगे, डेढ़ घंटे के बजाय दो घंटे ओवर टाइम तुम्हें देंगे, और तुम चाहोगे तो इतनी तनख्वाह हम कम लेंगे। दुनिया में कौन समझदार आदमी है? कोई किसी को इस्लाम ही से दुश्मनी है? ऐसे हैं गैर मुस्लिम, ऐसे उनको तो छोड़, बाकी जो भले लोग हैं, चाहे वो मुसलमान ना हो, भले लोग हैं, वो कहेंगे हमारा क्या बिगड़ता है, इसको मैं तनख्वाह दे रहा हूँ 2500, ये डेढ़ घंटे की तनख्वाह कम करके, दो घंटे की तनख्वाह कम करके 2200 मांग रहा है, या ये 8 घंटे काम करता है, ये 8.5 घंटे काम करता है, वो टाइम 2.5 घंटे देता है, उसका क्या बिगड़ता है? कोई आदमी समझदार आदमी, जो भला आदमी हो, इस्लाम से उसे अदावत और दुश्मनी न हो, वो इस मुतालबे को मानने में कोई उजर नहीं करेगा, आखिर कौन बात मानेगा? लेकिन मुसलमान इस नाम पर वहां से निकला, कहां गया अल्लाह जाने कहां गया, बहुत से कम नमाज पढ़ने जा रहा हूं, और घूम घाम कर आ गया और आधा घंटे की तफरी करके आ गया, और फिर कह लाओ मैंने 8 घंटे काम किए। ये मुसलमान गलती करता है, यानी सारी दुनिया में, ये सारी दुनिया में गलती है। अगर आप इस गलती की इसलाह कर ले तो जॉब के बीच में नमाज पढ़ने का टाइम बॉस न दे, ये मुमकिन ही नहीं। और कोई ऐसा ही बदतमीज बॉस है, छोड़ो उसे, या सारा रिश्ता उसी के साथ लटका हुआ है, उसे भी लात मारो, किसी और जगह तलाश करो। गर्ज ये दौलतें, ये काम, ये बिजनेस है, ये तिजारतें, ये जॉब, ये काम, ये इंसान को अल्लाह के जिक्र से, नमाज से और दूसरी चीजों से गाफिल कर डालती, का कजा पढ़ लें। अवलन तो कजा, जानबूझकर नमाज को कजा करना ये कबीरा गुना है, जानबूझकर नमाज कजा करना ये कबीरा गुना है। तो कबीरा गुना तो आपने नामे आमाल में लिखवा दिए, अब वो आप कजा करेंगे या नहीं करेंगे, अल्लाह जाने, 50-50 का चांस है। जो कजा करने वाले हैं आधे कजा करते हैं, आधे तो कजा भी नहीं करते, भूल जाते हैं। तो नमाज न पढ़ने का एक दूसरा गुना लिखिए, तो ये कोई सोचने का अंदाज सही नहीं है, सोचने का अंदाज ही गलत है। अन्नक्द खैरु मिन नसिया, कैश बेहतर होता है उधार से। अरे तू कैश नमाज नहीं पढ़ पा रहा है तो उधार कहाँ पड़ेगा, घर जाके कजा क्या करेगा? घर जाके थक गया, कभी तो थका हूं, रात में पढ़ूंगा, रात में सो गया तो सुबह उठ, और सुबह उठा तो सुबह उठ के भागा गाड़ी लेकर के जॉब पर, तो कहां गई तेरी कजा? हमारे अहवाल ये हैं, गौर करो अपने अंदर और अपने भाइयों के अंदर गौर करो। जब तुम कैश नमाज नहीं पढ़ सकते हो तो उधार कहां से पढ़ोगे?
लिहाजा मेरे भाइयों, अगर ये हमारी दौलतें, ये हमारे काम, अगर इसने हमें अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दिया, अल्लाह की याद नहीं रही, और अल्लाह की याद का सबसे बड़ा जरिया जो नमाज है उससे हम गाफिल हो गए, तो कहीं के भी नहीं रहे। उलाइका हुमुल खासिरून, आखिरत में घाटे में रहने वाले यही। सही क्या तरीका है? सही तरीका है दरकफे जान शरीयत, दरकफे संदान इश्क। हर हवस ना के नदानद जामो संदा बाख्तम। जाम प्याला, प्याला यानी ये शराबियों का प्याला जिसमें शराब पीते हैं वो, उसको असल जाम उसी को कहते हैं। ये जो आपका होता है, बोलो बोलो क्या कहते हैं कटोरे, क्या कहते हैं? बाउल। बाउल का नाम जाम नहीं, ये जो बाउल है बाउला, इसका नाम जाम नहीं है। जाम तो ये शराब का गिलास है, उसका कटोरा है, ये जाम है। और संदान कहते हैं, कभी लोहार के यहाँ गए हो? लोहार के यहाँ एक लोहा जमीन में गड़ा हुआ होता है, ऊपर से ये चौड़ा होता है, भट्टी में से लोहा गर्म करके इसके ऊपर ला करके कूटेगा, तो ये जो गड़ा हुआ लोहा है ये संदान है। अब एक आदमी के हाथ में ये लोहा है, लोहार का ये संदान है, एक में वो गिलास है, उन दोनों को उछाल रहा है, खेल रहा है, टकराने नहीं चाहिए, क्योंकि टकराएंगे तो लोहा तोड़ डालेगा उस गिलास। बोलो इन दोनों को खेल रहा है और टकराने न दे, ये हर आदमी के बस का है? शायर यही कहता है, दर कफे जाम शरीयत, एक हाथ में शरीयत का जाम रखो, वो शराब का जाम नहीं, शरीयत का जाम रखो, दर कफे संदान इश्क, दूसरे हाथ में अल्लाह से इश्क मोहब्बत का संदान रखो, और इन दोनों से खेलो। इनका खेलना हर एक के बस का नहीं है। हर हवस ना के नादान, हर हवस ना के नादान जाम और संदा बास्तन, हर आदमी के बस का नहीं है, लेकिन ये कि ऐसे अल्लाह के बंदे हैं कि जो दोनों के साथ खेलेंगे और दोनों आपस में टकराएंगे नहीं। शरीयत भी अपनी जगह पर है, इसको मोहब्बत भी अपनी जगह पर है, दुनिया भी अपनी जगह पर है, दीन भी अपनी जगह पर है, काम भी सारे दुनिया के चल रहे हैं और काम भी अल्लाह की शरीयत और अहकाम पर भी अमल हो रहा है। इसी दुनिया में लाखों इंसान हैं जो तमाम शरीयत के अहकाम पर मुकम्मल अमल कर रहे हैं, और वो भी खाली नहीं बैठे हैं, वो भी तजारतें भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, नौकरियां भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और दोनों चीजें लेकर साथ चलते हैं। लेकिन अगर कोई दोनों को साथ लेकर न चलना चाहे तो तू ही न चाहे तो बातें हजार हैं, ये तुम जाए बातें बना लो। इसलिए मेरे भाइयों, ये एक आयत है, आगे जो दूसरा मजमून है वो माल से मुताल्लिक आयत है। ये मैंने एक आयत जो थी उसको मैंने समझाया था। अल्लाह ये फरमाते हैं और हमसे फरमा रहे हैं कि अरे वो लोगों जो ईमान लाए हो, अरे जो ईमान नहीं लाए मारो गोली उन्हें, वो जो करें करें, लेकिन तुम तो अल्लाह पर ईमान लाए हो। जब तुम ईमान लाने वाले बंदे हो तो तुमसे ये कहा जा रहा है कि तुम्हारी दौलतें और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न करें। कोई अल्लाह का जिक्र, जितनी बदनी इबादतें सब अल्लाह का जिक्र है। औलाद कैसे गाफिल करती है अल्लाह के जिक्र से? माल तो समझ में आ गया, औलाद अल्लाह के जिक्र से कैसे गाफिल करती है? औलाद जब छोटी होती है तो माँ को गाफिल करती है। परवरिश के मरहले में जब औलाद होती है तो माँ को अल्लाह के जिक्र से गाफिल करती है। वो औलाद के झमेलों में और खरखशों में और औलाद के कामों में माँ ऐसी फंसी रहती है कि नमाज आई और गई उसे पता ही नहीं, या आई इतनी देर हो गई कि मकरू वक्त आ गया। और जब औलाद बड़ी हो जाती है तो बाप को अल्लाह के जिक्र से गाफिल करती है। ये आदमी जो दुनिया के लिए हाय दुनिया हाय दुनिया हाय दुनिया करता है, वो तो जानता है कि मेरे लिए महीने के $1,000 काफी है, मेरे और मेरे बीवी के लिए। ये जो चाहता है कि एक महीने में $4,000 कमाऊं, ये $3,000 किसके लिए कमा रहा है? औलाद बड़ी होती नजर आ रही है, लड़के बड़े हो रहे हैं, लड़कियां बड़ी हो रही हैं, कल उनकी शादियां करनी है, कल उनको ये करना है, कल वो करना है, कल वो करना है, कुछ कमाऊंगा, कुछ पीछे डालूंगा, बैंक बैलेंस करूंगा, वही तो इससे काम निपटूंगा। और यही तक भी नहीं है, इतना भी अल्लाह ने दे रखा है फिर भी हवस नहीं बुझती,
हर आदमी सोचता है कि मैं अपने औलाद को लखपति करोड़पति मिलियनर और बिलियनर बनाते जाऊं। जितना ज्यादा ज्यादा कमाता है कि मेरी औलाद का भला होगा, और औलाद ऐसी नालायक निकलती है कि बाप की आंख बंद हुई साल भर में अनाप शनाप सारा माल बर्बाद कर देती है। जो उसने जिंदगी भर खून पसीना एक करके वो औलाद के भले के लिए वो औलाद सारा उड़ा देती। तो औलाद जब तक छोटी है वो अल्लाह के जिक्र से माँ को गाफिल करती, जब औलाद बड़ी हो जाती है तो बाप को गाफिल करती, और उसी औलाद के लिए सब कुछ पीछे डालता है और रात दिन उसके पीछे बैल की तरह से मेहनत करता है। और फिर वही औलाद जब शादियां करके हरेक को घर देकर अलग अलग बसा लेता है तो यही औलाद जूते मारती आखिरत में, नहीं यही दुनिया में जूते मारती है। और गालियां तो नकद रखी कैश, जितनी चाहो ले लो औलाद से, औलाद से गालियां तो जितनी चाहे ले लो, जूते मारने वाले भी औलाद हमने देखी। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह से इस इरशाद को छोटी सी आयत है, उस आयत को समझो, जहन में रखो, पल्ले बांधो। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आप हजरात को, सब दोस्तों को अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।